उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध विस्फोट से भरी बोलेरो पिकअप कार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा चौकी के पास का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पहले से अलर्ट पुलिस ने बोलेरो कार को रोकना चाहा, लेकिन कार ड्राइवर ने पुलिस को देखते ही कार लेकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने कार का पीछा कर बोलेरो पिकअप कार सहित कार में रखा 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 5000 ईडी सेल, 5000 डेटोनेटर सहित 2,05,000 रुपए बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पूछताछ में 2 अन्य विस्फोटक कारोबारियों में 2 और नाम सामने आने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। और कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया? आज सुबह मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप में विस्फोटक जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पिकअप को पकड़ा। उस पिकअप में 25 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट थे। जांच करने पर उसमें 5000 विस्फोटक और 5000 ईडी भी मिली। उसमें मौके पर 3 लोग, हरनाथ यादव और मोहम्मद नईम ड्राइवर और राज बहादुर हेल्पर, 3 लोग मिले। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये जो माल था वो शिवम यादव और हरिराम यादव का है। तो मौके पर 3 लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके लिए प्रयास जारी है, जल्दी ही गिरफ्तारी होकर जेल भेजा जाएगा। वहीं चंदौली के बलुआ पुलिस की चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां पुलिस ने एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए। दरअसल पुलिस बलुआ तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वाराणसी की तरफ से एक बिना नंबर के सफेद रंग के स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस को जब शक हुआ तो स्कॉर्पियो की चेकिंग की गई, तो स्कॉर्पियो के अंदर 2 बोरी में भरा हुआ गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो चला रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी हुई है ये सर, क्या मामला है सर? लगता है ये कल 15/12/2020 को बलुआ थाना क्षेत्र के बलुआ तिराहे पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो जो बिना नंबर प्लेट की है उसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। इस सूचना पर जो है उस स्कॉर्पियो को एसआई जयकरण सरोज और थाना बलुआ के सिपाही चेक किए, और चेक करने के बाद उसमें एक आदमी मिला जिसको उन्होंने पूछताछ की, तो उसके पास से चेकिंग के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इसके अलावा जब डिक्की खोली गई तो डिक्की से 5 बंडल बरामद हुए। जो चेक किया गया तो उसमें नाजायज गांजा था, 21 किलोग्राम गांजा है और इसकी कीमत बाजार में बहुत अधिक है। और 21.5 किलोग्राम गांजा, 5 बंडल और 60 पैकेटों से बरामद। सर, ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है कहाँ कराने वाला है, कहाँ के लिए जा रहा है? ये गिरफ्तार अभियुक्त धीरज कुमार पाल, ये दरेथुआ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी का रहने वाला है। वाराणसी जनपद में इसके खिलाफ कई मुकदमे हैं, 307 के हैं, हत्या प्रयास और लूट के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। चंदौली में भी इसका आपराधिक इतिहास है? चंदौली में इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। ये फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, और पुलिस लगातार ये तफ्तीश कर रही है कि इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, और जो भी लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतिया और चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।